सरायकेला से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। दरअसल सरायकेला जिला के आदित्यपुर डीएवी एनआईटी के 8वीं में पढ़ने वाला एक छात्र अचानक अपने घर से गायब हो गया, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें अपने बच्चे के बारे में पता तो चल गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बच्चा अपने ही माँ बाप को पहचानने से अब इनकार कर रहा है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि हो सकता है कि बच्चे का दिमागी संतुलन ठीक ना हो, लेकिन माँ बाप का कहना है कि उनके बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया है। बाहर में बैठा हुआ दुकान का, एक बार देखे लिया, फिर वापस आया, फिर तब उसको बुलाए मैं अपने पास, पूछे नाम क्या, तो नाम बताने आया नहीं कि बैंक नाम नहीं मालूम है, मम्मी पापा का तो उसने भी बोला कि मुझे नहीं मालूम है, तो हमको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है इस बच्चा को, अच्छा करके तो हम अपना फोटो खींच के उसको डाले ग्रुप में। जी थाने का अपना पार्षद है अभिजीत जी को फोन किया तो उन्होंने थाना को खबर किया, अभी थाने ले गए। साढ़े पाँच बजे से बुलाया हुआ और इसके साथ कुछ हुआ तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इसके पापा से पूछना है, हमने सिर्फ एक या दो नंबर कम किया है मेरा बच्चा। और पहले सबसे बढ़िया था, सबसे बढ़िया था मेरा बच्चा, मेरा बच्चा लापरवाह तो बिल्कुल नहीं। अभी अभी ऐसा, इसको अपने पापा का फोन नंबर, इसको अपनी मम्मी का फोन नंबर, इसको अपने नाना का फोन नंबर, इसको अपना एड्रेस ऑल टू टोटल पता है इसको। ये बहुत शांत बच्चा, स्कूल से अकेले आ जाता है, बहुत समझदार बच्चा। बोलते हैं वॉकिंग करने के सिलसिले में आए थे तो फिर सर में चोट लग गया था, गिर गए थे। इसको कोई कुछ खिलाया है? नहीं पता है। इसको कोई कुछ खिलाया? तुम ऐसा भी तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, कोई कुछ खिलाया है? झूठ बोल रहे हो, लेकिन देखो हम लोग तो झूठ मत बोलो, पत्रकार है, हम लोग झूठ मत बोलो। तुम पहले बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, सही सही बताओ। कुछ नहीं हुआ। सक्षम ठाकुर लगभग 7:30 बजे के आसपास हम लोग वही खोज रहे थे, तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि बच्चा यहाँ पे डीवीसी मोड़ के पास देखा गया है, तो हम लोग वहाँ यहाँ पे आए, त्वरित कार्रवाई करते हुए तो पता चला बच्चा यहीं पे बैठा हुआ था। अभी बच्चा थोड़ा सा इसका दिमागी हालत ठीक नहीं लग रहा, ये अपने आप को और अपने घर वालों को भी पहचान नहीं रहा, अभी देखते हैं, इसका इलाज कराना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले तो हम लोग इसका इलाज कराएंगे, है ना, बाकी आगे जो कार्रवाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।